हमारी स्किन में ना सिर्फ रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन की मदद से ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, बल्कि सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड हमारी स्किन में थर्मोरेगुलेशन का किरदार अदा करते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बहुत अहम है। सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन को सीबम कहते हैं। सीबम हमारी स्किन में मौजूद पोर से होते हुए आउटर स्किन पे स्प्रेड कर जाता है जो कि हमारी स्किन के टेक्सचर और से मॉइस्चर रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। सेबेशियस ग्लैंड सीबम के साथ साथ डेड स्किन सेल जो कि इंटरनल स्किन लेयर में मौजूद होते हैं को भी पोर्स की मदद से आउटर स्किन में सीक्रेट करते हैं। बाज़ुकात हार्मोनल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस और पुबर्टी में सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन में इजाफा हो जाता है, जिसकी एक्सेस की वजह से डेड स्किन सेल्स और सीबम टाइनी स्किन पोर्स से बाहर नहीं निकल पाते और अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। सीबम और डेड स्किन सेल स्किन पोर्स से ना सीक्रेट होने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज की अफजाइश के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरियाज की तादाद में इजाफा हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और वाइट ब्लड सेल बैक्टीरियाज की तादाद को रोकने और मजीद इन्फेक्शन से स्किन को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और बैक्टीरियाज को किल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन उभरना शुरू हो जाती है और हल्की सुर्ख होने के साथ साथ पेनफुल भी हो जाती है और इसको हम पिंपल्स कहते हैं। ऐसी कंडीशन में पर्सन को चाहिए कि वो किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन का मुआयना करवाए ताकि बरवक्त इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।